हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज का वीडियो बनाना है क्रेटीन के प्रकार के बारे में। क्रेटीन के एक वीडियो पहले ही हम अपलोड कर चुके हैं, अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर क्लिक करके वीडियो देख लीजिए। और आज बात करें क्रेटीन के प्रकार के बारे में। इससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ये सही होगा, मेरे वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। तो वीडियो का लाइक का टारगेट रहेगा 100 लाइक, ज़्यादा लाइक नहीं करते गाइज, क्योंकि देखे होंगे खराब खराब वीडियो पर कितने लाइक्स होते हैं, और हम आपके लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियो ला रहे हैं फिर भी आप लोगों ने कोई सपोर्ट नहीं करा है। तो प्लीज़ गाइज, आप लोग अपने भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक लाइक दीजिए और कमेंट अच्छा सा कीजिए और वीडियो को लास्ट तक बात कीजिए। इससे ये होगा कि मेरा वीडियो और आगे तक जाएगा और लोग देखेंगे और अच्छे अच्छे वीडियो हम ला पाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। क्रेटीन मुख्य रूप से 6 प्रकार का होता है, लेकिन 6 प्रकार के बारे में बात नहीं करेंगे। तो क्रेटीन के मुख्य 3 से 4 क्रेटीन के बारे में बात करेंगे। सबका नाम आपको बताते हैं, क्रेटीन मोनोहाइड्रेट, क्रेटीन एथिल एस्टर, क्रेटीन हाइड्रोक्लोराइड, क्रेटीन बम्फर, क्रेटीन लिक्विड होता है, और एक और होता है क्रेटीन मैग्नीशियम चेलेट। तो बात शुरू करते हैं फर्स्ट से, जो कि हमारा है क्रेटीन मोनोहाइड्रेट। क्रेटीन मोनोहाइड्रेट एक ऐसा फॉर्म है जिस पर अभी तक सबसे ज़्यादा रिसर्च हुई है। इसका मतलब है कि क्रेटीन के इस फॉर्म को लेने से शरीर की परफॉर्मेंस में बहुत अच्छी तरह से सुधार देखा गया है। यह क्रेटीन मोलिक्यूल और पानी मोलिक्यूल से बना है, इसे कुछ तरीकों से संसाधित किया जाता है। इसे मोनोहाइड्रेट फॉर्म में क्रेटीन के कुल वजन का 90% क्रेटीन पाता है। अगर आप लोग क्रेटीन मोनोहाइड्रेट लेते हैं तो उसमें आपको 90% तक क्रेटीन मिलता है, जो कि एक अच्छा क्रेटीन हो जाता है। अब बात करते हैं कि क्रेटीन के 90% क्रेटीन का मतलब क्या हुआ। तो क्रेटीन के 90% क्रेटीन का मतलब हुआ कि भाई, अगर आप लोगों ने प्रोटीन प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट लिया होगा तो उसमें लिखा होता है कि प्रोटीन अगर पाउडर लेते हैं कॉन्सेंट्रेट किसी भी कंपनी का, उसमें लिखा होता है कि आपको इसमें 80% तक प्रोटीन पाया जाता है। अगर आइसोलेट लेते हैं तो क्रोटीन में उसमें लिखा होता है कि 90% से ऊपर इसमें प्रोटीन पाया जाएगा। बस वही है, इसमें क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए क्रेटीन मोनोहाइड्रेट लेते हैं तो इसमें आपको क्रेटीन का जितना 100 ग्राम अगर क्रेटीन लेते हैं इसमें 90% आपको क्रेटीन मिलेगा, 10% और इसमें मिला होता है जो भी होता है। क्रेटीन एथिल एस्टर, कुछ मेकर्स का दावा है कि क्रेटीन एथिल एस्टर सप्लीमेंट अन्य रूपों से बेहतर है। इसमें मोनोहाइड्रेट रूप भी शामिल होता है। कुछ बातें बताती हैं कि यह शरीर में क्रेटीन मोनोहाइड्रेट की तुलना में बेहतर अवशोषित होता है, यानी क्रेटीन एथिल एस्टर क्रेटीन मोनोहाइड्रेट से थोड़ा सा अच्छा हो जाता है इस रूप में, क्योंकि ये ज़्यादा अवशोषित ज़्यादा करता है। यानी क्रेटीन आप यूज करते हैं तो क्रेटीन एथिल एस्टर अगर आप लोग यूज करते हैं तो ये ज़्यादा ऑब्जर्व अपने अंदर करता है। इसके अलावा इसमें मसल बढ़ाने में भी ज़्यादा इफेक्टिव माना गया है, यानी आपके मसल पम्प में भी क्रेटीन एथिल एस्टर को ज़्यादा इफेक्टिव माना गया है। अब बात कर रहे थे क्रेटीन हाइड्रोक्लोराइड की, तो क्रेटीन हाइड्रोक्लोराइड ने कुछ मेकर्स और सप्लीमेंट यूजर्स के बीच ये लोकप्रिय हासिल कर चुका है, क्योंकि इसमें पानी में घुलनशील ज़्यादा है, ये पानी में जल्दी घुलनशील होता है, और क्रेटीन मोनोहाइड्रेट जो है उसके तुलना में ये 38 गुना अधिक ज़्यादा पानी में घुलनशील होता है, इसलिए इसका भी जलवा अच्छा खासा है। और बात कर लेते हैं बम्फर क्रेटीन का, तो कुछ सप्लीमेंट मेकर्स ने इसे क्षारीय के रूप में, यानी ये देखिए ये इसलिए इसे यूज किया जाता है क्योंकि अगर हमारा भोजन जो भी होता है पेट में जाता है तो यकृत काम करता है, जो पित्त हमारा काम करता है कि भोजन अम्लीय को क्षारीय रूप में बदल देता है, बस इसका काम उतना ही है। और ये ताकत भी अच्छा खासा देता है, लेकिन इसमें दुष्प्रभाव है, इसी में आपके शरीर में सूजन हो सकता है, ऐठन महसूस होने लगता है, तो ये थोड़ा सा आपको इसमें डैमेज टाइप का मिल सकता है। और बाकी सारा हाँ, क्रेटीन मोनोक्लोराइड में भी आपको थोड़ा सा दुष्प्रभाव मिल जाएगा, पेट में खराब हो सकता है, पेट आप लैट्रिन बाथरूम आपको ज़्यादा हो सकता है, लेकिन दो जो प्रोटीन है क्रेटीन है सबसे मस्त है, क्रेटीन मोनोहाइड्रेट और क्रेटीन एथिल एस्टर। तो ये जो क्रेटीन है आपको बेस्ट है, ये आपको ज़्यादा इफेक्ट देंगे, ज़्यादा आपको मसल ग्रोथ देंगे, आपको ज़्यादा वर्कआउट करने में स्ट्रेंथ देंगे, तो आप इन दोनों को ले सकते हैं। तो वीडियो बस इतना ही था गाइज। अगर आप लोग इन सभी क्रिएटिन के बारे में अलग से डिटेल में पूरा जानना चाहते हैं तो कभी हम लाइव आ जाएंगे तो उस समय बता देंगे, और नहीं तो आप लोगों के लिए शॉर्ट में इसके वीडियो लाते रहेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए बस इतना था। प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, फिर उसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ये सब हमारे वीडियो सबसे पहले आप